बिहार की हालत गरीबी की है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि विकास का दर हमारा बढ़ रहा है। 2009 से ही विकास का दर बढ़ने लगा है और कोई कोई साल तो हाईएस्ट था, तो इस तरह से बिहार का दर बढ़ रहा। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद और सब कुछ करने के बाद तो अभी तो स्थिति नहीं ना है जी। आप समझ लीजिए कि जितने भी लोग हैं इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो हम लोग जो मांग करते हैं कि अगर आज भी जो आप समझ लीजिए प्रति व्यक्ति आय देश का है 1,50,000 रुपया, अब बिहार में है प्रति व्यक्ति आय 64,383। अरे भाई, तो अभी भी तो हम लोग इतना पीछे हैं, एक तिहाई की स्थिति में हैं। इसलिए अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार और आगे बढ़ जाएगा। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए कितना बार हम गांधी मैदान में किए हैं रैली और सब तरह से, तो ठीक है अब तक नहीं मिला, लेकिन अगर मिल जाएगा तो बिहार कितना आगे बढ़ेगा। और इसमें तो सब लोगों को चाहिए, और इसीलिए और दूसरा चीज हम लोगों ने क्या शुरू करा दिया था 1934 के बाद से, तो कभी नहीं ना हुआ 31 के बाद से, नहीं ना हुआ 1931 के बाद से जाति आधारित गणना। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि जाति आधारित गणना हो, तब पिछली बार 11 में 10 के बाद थोड़ा सा करने की कोशिश हुई, लेकिन ठीक ढंग से नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ। तो हम लोग सारे दल के लोग मिलकर के केंद्र से अनुरोध किए कि सब जगह होना चाहिए। तो अंत में केंद्र ने कहा कि भाई हम तो नहीं करेंगे, राज्य में करना हो तो करो। तो हम लोगों ने तय कर दिया जाति आधारित गणना, और जाति आधारित जनगणना नहीं, बहुत लोग गलती से बोलते हैं। अरे जनगणना तो केंद्र सरकार करेगा, राज्य कैसे जनगणना करेगा, इसलिए हम गणना कर रहे हैं। तो जाति आधारित गणना हम लोग करवा रहे हैं, और उसके चलते पता चलेगा खाली जात का ही नहीं बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, चाहे वो ऊंची जात के हों, किसी भी जात के हों, कोई भी धर्म को मानने वाले हों, सब तरह के लोगों का जो इस सर्वेक्षण होगा तो पता चलेगा कि कौन लोग किसी भी जाति के हों जो गरीब हैं, उनके उत्थान के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं।